एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं हमारे रेंको चैन एक जगह पर बैठी हुई होती है और वो कहने लगती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेंको और मैं सानका गर्ल्स अकेडमी में पढ़ती हूँ और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। और वो कहने लगती है, और आप ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हो ये मेरे मॉम और डैड का है। और वो कहती है, जब यहाँ पर कुछ स्टाफ कम होते हैं तो मैं यहाँ पर कभी कभी काम करने आ जाती हूँ। और वो इतना कहते वो एक किचन रूम के अंदर एंटर करती है और वो एक लड़के के पास जाती है और वो कहने लगती है, सो अपना काम जल्दी से करो। और तभी वो लड़का और कोई नहीं हमारा चीरो ही होता है। और दूसरे सीन में दिखाया था रेंको कहती है, हाँ मुझे पता है लेकिन तुम अपना काम धीरे कर रहे हो। और उस जगह पर हमारे रेंको की मॉम चली आती है और कहने लगती है, तो तुम यहाँ पर अपनी मर्जी चला रही हो। और तभी रेंको कहती है, नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात को चीरो भी नोटिस करता है और रेंको की मॉम कहती है, चीरो तुम चिंता मत करो, शादी होने के बाद रेंको ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। और तभी रेंको वहाँ जाने लगती है और तभी जो रेंको का जो पैर होता है वो असल में आलू की छिलके की वजह से वो नीचे फिसल जाता है, जिसके कारण हमारा जो चीरो होता है वो रेंको को एक हाथ से पकड़ लेता है। और तभी वो रेंको को उठाते हुए कहता है, रेंको तुम थोड़ा ध्यान से चलो। और हमें अगले सीन में दिखाते रेंको कहती है सॉरी। और तभी रेंको के मॉम कहते हैं, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो एक कपल के जैसे। और तभी रेंको इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगती है और वो एक कमरे के अंदर चली आती है। और हमें अगले सीन में दिखाते रेंको एक जगह पर खड़ी हो जाती है और कहती है, चीरो से मैंने पहली बार तब मिली थी जब मैं छोटी बच्ची थी और एक ग्रेवयार्ड मतलब एक शमशान घाट के अंदर खो गई थी। और तभी वो मुझे रोने लगी थी क्योंकि वो अकेला थी। और तभी हमें दिखाया था उसके सामने हमारा चीरो आता है और उसको बचाने के लिए और चीरो कहते तुम मेरे साथ चलो। और तभी रेंको पूछते, चीरो क्या तुम्हें डरने लग रहा? और चीरो कहता नहीं। इस बात को सुनते ही रेंको बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, यही मेरा प्रिंस होगा। और अगली सीन में वो दोनों के मॉम और डैड एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं और चीरो डैड कहते हैं, तो चीरो ये तुम्हारे कज़न है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है तभी वो कहते हैं, तो इसको हेलो बोलो। और तभी चीरो रेंको को हेलो कहता है लेकिन जो रेंको होती है वो चीरो के पास आती है और कहती है, चलो खेलने चले। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चीरो रेंको को एक रूम के अंदर ले आता है और उस जगह पर एक डीवीडी को शुरू कर लेता है और रेंको भी ये सब चीज़ें नोटिस कर रही थी। और उस टीवी के डीवीडी के अंदर दोनों कपल सोए हुए होते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बहुत भयानक दिख रही थी और वो एक जॉम्बी होती है। और तभी रेंको इस बात को देखते हुए डर जाती है लेकिन चीरो बहुत खुश होता है। और दूसरे सीन में दिखाते हैं रेंको वहाँ से भागते हुए एक जगह पर जाके छुप जाती है और तभी रेंको अपने अंदर हिम्मत करते हुए हमारे चीरो के पास जाने लगती है और कहती है, चीरो सुनो चलो हम लोग बाहर जाके खेलते हैं। लेकिन चीरो उसको मना कर देता है। तभी रेंको टीवी के सामने आके टीवी स्विच को ऑफ कर देती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। और तभी रेंको पूछती है, तो चीरो तुम जॉम्बी मूवीज़ के अलावा क्या करते हो? तभी चीरो कहते हैं, मैं जॉम्बीज़ के मांगा और बुक्स पढ़ता हूँ। और तभी रेंको कहती है, तुम जॉम्बी मूवीज़ जॉम्बीज़ के सारी चीज़ों के अलावा क्या करते हो? तभी चीरो कहते हैं, मैं बस खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। और तभी इस बात को देखते हुए रेंको कहती है, ये खेलना कहाँ से हुआ, ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है खाना खाना। और तभी चीरो इसको बात को नज़रअंदाज करते हुए एक क्यूट से फेस बना के जा रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे रेंको चान असल में होटल से पेड़ के फूलों को सूंघ रही होती है और तब वो कहती है, चलो चीरो हम लोग घर घर खड़ते हैं। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पर चीरो नहीं होता। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं चीरो एक पेड़ के नीचे कुछ काम कर रहा होता है और तभी रेंको उसके पीछे आती है और कहती है, चीरो तुम्हें क्या कर रहे हो? और तभी चीरो कहता है, मैं असल में यहाँ पर गड्ढा बना रहा हूँ, इसके अंदर सहाय से कोई जॉम्बी निकल आ सकता है। और तभी वो कहता है, चलो इस पेड़ के नीचे चेक करते हैं। और तभी वहाँ पर चीरो के दो क्लासमेट चले आते हैं और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर वो दोनों क्लासमेट कहने लगते हैं, ओए हमने तुम्हारे साथ नहीं खेला तो तुम एक लड़की के साथ खेल रहे हो। और तभी रेंको चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक लड़की के साथ खेलने में दिक्कत क्या है? और तभी चीरो वहाँ पर रोने लगता है और तभी वहाँ पर रोते हुए वह अपने घर की तरफ भागने लगता है और कहता है, मैं इसलिए बाहर नहीं आ रहा था। और हमें अगले सीन में दिखाया था तभी और तभी रेंको कहती है, चीरो। और हमें अगले सीन में दिखाया था चीरो एक जगह छुपा हुआ होता है और उसको बहुत सारी जगह पर रेंको ढूंढ रही होती है। और उसी टाइम पे हमारी जो रेंको होती है वह अभी अपने सिटी में मतलब अपने टाउन के अंदर जाने लगती है और उसकी मॉम कहती है, आप लोग का शुक्रिया, आप लोग हमें यहाँ पर रहने को दिया है। और तभी उसके डैड कहने लगते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग हमारे गेस्ट हो, आप लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। और तभी रेंको की मॉम चीरो के मॉम के बारे में पूछने लगती है और तभी चीरो के डैड कहने लगते, असल में वो अभी हॉस्पिटल में है, उनकी कुछ तबीयत खराब है। और दूसरे सीन में दिखाते हैं रेंको की मॉम रेंको कहने लगती है, क्या तुम चीरो को बाय नहीं कहोगे? और तभी रेंको मना कर लेती है और वहाँ से वो दोनों मतलब उनकी फैमिली वहाँ से जाने लगते हैं।
अगले सीन में दिखाता है हमारा रिंको और जीरो असल में कहीं पर जा रहे होते हैं और जीरो कहता है मैं अकेला डिलीवरी कर लेता है लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और तभी रिंको कहती है मुझे पता है तुम कस्टमर को परेशान कर लोगे इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं चीरो के डैड उनके कस्टमर होते हैं और तभी चीरो कहता है ये लो आपका सामान। और तभी चीरो के डैड कहने लगते हैं सो शुक्रिया तुम्हारा और रिंको को भी शुक्रिया कहते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं मतलब अलग डिलीवरी करने और तभी हमें दिखाते हैं रिंको कहती है सो रियासन के बारे में क्या ख्याल है। और तभी चीरो कहता है तुमको पता है ना हम दोनों बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी रिंको कहती है हाँ हाँ चीरो मैं समझ गया। और हमें अगले सीन में दिखाते रिंको जाते हुए कहती है असल में रियासन कितनी प्यारी है ना तुम ये बात सोच रहे हो। और तभी चीरो कहता है ओए तुम तो कुछ भी नहीं समझी तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो। और तभी उसके सामने ही उसका दोस्त यासुतका चलाता और कहता है तुम दोनों क्या डेट कर रहे हो। और तभी हमारा जो चीरो था वो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या मैं अपनी कजन को डेट क्यों करूंगा। और तभी उसके पास रिंको चंद आती है और कहने लगती है तुम्हें डेट करने में क्या दिक्कत है। और तभी वहां पर हमारा यासुतका भागते हुए आता है और अपने हाथ को एक कैमरा का फ्रेम करते हुए उन दोनों को देखने लगता है और कहता है तुम दोनों तो एक कपल हो। और तभी चीरो कहता है निकल यहाँ से। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही यासुतका कहता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तुम एक जॉम्बी लवर हो और उसके साथ ही तुम्हें बेकार से इंसान हो और तुमने कैसे दोनों लड़कियों का मतलब सानका रहा और हमारे रिंको चैन को कैसे पटा लिया। और तभी हमें दिखा तो वो कहने लगते देखो मैं एक अच्छा और ईमानदार लड़का हूँ और मुझे किसी भी लड़की ने अभी तक हाँ नहीं किया है। और उसके साथ वो कहने लगता है तो तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। और तभी मोगी उसके पीछा कहता है यासुतका तुम रुक जाओ। और तभी यासुतका कहता है रिंको सान तुम्हें इस बंदे के अंदर क्या दिखा तुम इसके ऊपर फिदा हो गई। तभी रिंको कहती है शायद ये हो भी सकता है कुछ दिखा होगा। और तभी हमारा चीरो कहता है तुम मना नहीं कर सकती थी हमारे अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और तभी हमें दिखाता है चीरो कहता है तुम खुद एक ठरकी हो और पागल हो। और तभी हमें दिखाता है यासुतका कहता है हाँ मैं ठरकी हूँ इसके लिए मुझे गर्व है यहाँ पर। और तभी हमारी रिंकोचन होती है वो कुछ पुरानी बातों के बारे में सोचने लगती है और हमें पार्ट के सीन के बारे में दिखाया था जहाँ पर हमारे रिंको कह रही होती है मेरे पापा ने चीबा को छोड़ दिया और यहाँ पर हम लोग इस सिटी में आके एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया है। और वो कहने लगती है और हाँ अभी 2 साल बीत चुके हैं मुझे चीरो से मिले हुए और मेरा प्यार ठंडा पड़ चुका है और अभी भी चीरो बदला नहीं है वो भी अभी तक जॉम्बी का सारा चीज पड़ता है। और वो कहने लगती है चीरो क्या हम बाहर खेलने चले। और तभी चीरो मना करता है और तभी रिंको कहती है तो चीरो चलो हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं। तभी चीरो कहता है नहीं। और अगले सीन में रिंको कहती है मुझे भी क्या करना चाहिए। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम पे रिंको की मॉम उनके रूम के अंदर आती है और कहती है मैं तुम्हारे कुछ नाश्ता लाई हूँ। और वो कहने लगते है चीरो अब हम तो पड़ोसी है ना। और इतना कहते है वो चीरो को कहते है चीरो तुम बहुत क्यूट हो। और हमें पता चलता है जो रिंको की मॉम होती है वो सब चीरो को बहुत प्यार करती है। और हमें अगली सीन में दिखाया वहीं पर रिंको एक जगह पर बैठी हुई होती है। और हमें अगली सीन में दिखाया वहीं पर रिंको की मॉम आती है और वो रिंको को कहती है तुम जाके चीरो के साथ खेलते क्यों नहीं। और तभी रिंको कहती है उसको तो बस जॉम्बी वाली मूवी और बुक पढ़ना है और क्या। और तभी रिंको की मॉम कहती देखो पास ही में एक वीडियो का स्टोर खुला है तुम वहाँ पर जाके अपनी मनपसंद कोई भी सी एनीमे को लाके तुम देख सकते हो तुम दोनों। और तभी रिंको कहते तो ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे चीरो और रिंको वो वीडियो स्टोर में आ चुके होते हैं। और तभी जो चीरो होता है वहाँ से भागते हुए एक स्टोर के अंदर चला आता है। और हमें अगले सीन में दिखाते वहाँ पर रिंको कहती है ये तो जॉम्बी वाली मूवी कलेक्शन है ना। और तभी चीरो कहता है मुझे ये मूवी देखी नहीं ये जॉम्बी मूवी और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और तभी रिंको कहते हैं क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं हम लोग एनीमे देखेंगे। और तभी वहीं पर रिंको के साइड में एक आदमी चलता हुआ आता है। असल में वो आदमी अपने सिर के ऊपर एक मास्क पहनता है जिसको देखते हुए हमारी जो रिंको होती है पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है ये सब क्या है। और तभी चीरो कहता है अंकल मुझे ये जॉम्बी एकेडमी का मूवीज खरीदना है। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर उसके अंकल कहते हैं सो कोई बात नहीं तुम काउंटर पे चले आओ मैं तुमको ये मूवी दे दूंगा। और तभी वो कहने लगते हैं असल में जो चीरो है वो इतना छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी बिना सबटाइटल के साथ इस मूवी को बहुत ही आराम से देख सकता है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही हमारे चीरो और रिंको दोनों घर को लौट रहे होते हैं। और उसी टाइम में चीरो कहते हैं अभी ये वो जो मूवी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तभी हमें दिखाते हैं हमारे जो रिंको होती है वो चीरो को इससे चलते हुए जाने लगती है। और तभी रिंको कहती है चीरो ये मूवी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है चलो हम लोग इसको लौटा के आते हैं। और तभी चीरो कहते हैं नहीं ये एनीमे से ज़्यादा अच्छा है। और अगले सीन में वहीं पर जो रिंको होती है वो DVD को लेके वहाँ से भागने लगती है और कहती है मैं जा रही हूँ इसको दुकान वाले को लौटाने।
और हमें दिखाया था हमारी जो रेंको होती है वो भागते हुए एक जगह पर रुक जाती है और वो थोड़ी डरी हुई लगती है। और उसी टाइम पर उसके पीछे हमारा चीरो भी आकर रुक जाता है और वो नोटिस करते हैं उसके सामने एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डॉग था। और तभी हमें अगले समय दिखा था हमारा चीरो उस प्लेग्राउंड के अंदर भागते हुए चला आता है और तभी रेंको वहीं पर बैठ जाती है। और अगले समय दिखाते हैं हमारा जो चीरो होता है वहाँ पर पड़े हुए एक लोहे के पाइप को उठाते हुए असल में उस डॉग के सामने ले आता है और कहता है भाग जाओ। और तभी उस पाइप को पकड़ते हुए उस डॉग के सामने हिलाने लगता है मतलब उसको मारने लगता है। और हमें अगले समय दिखाता है वहीं पर जो डॉग होता है वहाँ से भागते हुए चला आता है। और हमें अगले समय दिखाता है वो दोनों उस जगह पर रोने लगते हैं। और हमें अगले समय दिखाता है हमारे रेंको और हमारे चीरो वो दोनों उस डीवीडी को लेके घर को वापस आ रहे होते हैं और वो दोनों घर में उस डीवीडी को देख रहे होते हैं। और हमें अगले समय दिखाता है हमारे रेंको कहती है सो चीरो तुम अपने पहला किस से लोगे। और तभी चीरो कहते हैं मुझे पता नहीं पर मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। और तभी रेंको कहती है क्या तुम पता नहीं जो किस होता है वो कितने तरीकों का होता है। पहला एक रोमांटिक डूबते हुए सूरज के साथ किस लेना और दूसरा एक कहीं पर गुड बाय कहते हुए किस लेना। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही चीरो कहता है मैं एक जॉम्बी गर्ल से किस लेना चाहूँगा। और तभी रेंको कहती है क्या ये क्या बकवास है तुम्हें पता है ना जॉम्बी गर्ल इस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करती। और चीरो कहते हैं हाँ पता है लेकिन फिर भी कहाँ से सच हो जाए। और तभी रेंको कहती है असल में जो पहला किस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखा देते जहाँ पर असुता का कह रहा होता है सो देखो तुम्हें इस ठरकी का पाप लगेगा तो प्लीज इस सब काम मत करो। और हमें अगले सीन में दिखा दे वहीं पर ही हमारे चीरो कहता है क्या कितना पागल लड़का है ये। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही हमारे रेंको कहती है चलो चीरो हाथ पकड़ते हुए हम दोनों चले। तभी चीरो कहता है बट क्यों। और तभी हमारे रेंको कहती है क्या तुम मेरे हाथ नहीं पकड़ोगे उसके साथ उसको मारने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारा जो चीरो होता है वो नाचते हुए भी हमारे रेंको का हाथ पकड़ता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रेंको जाते हुए कहती है सो चीरो तुम्हें याद है तुमने मेरा हाथ पहली बार कब पकड़ा था। और तभी चीरो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है हाँ मुझे याद है जब तुम ग्रेवयार्ड में रो रही थी। और तभी रेंको कहती है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और हमें अगले सीन में दिखाया था चीरो कहता है क्या सच में तुम्हें याद नहीं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो दोनों आगे डिलीवरी करके वहाँ से आने लगते हैं। और तभी हमें दिखाता है रेंको कहती है सो आज का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है तो तुम अभी घर को जा सकते हो। और तभी चीरो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और वो कहता है तो बाय बाय। इतना कहते तभी यह जो रेंको होती है वो चीरो का हाथ पकड़ लेती है। और हमें अगले सीन में दिखाता है चीरो कहता है रेंको क्या हुआ। और हमें अगले सीन में दिखाता है रेंको चीरो को वहाँ पर पकड़ कर रखती है और वो कहने लगती है चीरो। और इतने कहते वो चीरो को देखने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वो चीरो के पास जाने लगती है जैसे कि वो उसको किस करना चाहती है। और हमें अगले सीन में दिखाते आखिरी में वो चीरो को छोड़ देती है। और हमें अगले सीन में दिखाता है रेंको कहती है चीरो जो पहला किस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना कहते ही वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए असल में चीरो और हमारे जो रेशम का पहला किस था उसके बारे में सोचने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते वो असल में एक ब्रिज के किनारे पर चला आता है। और तभी हमें दिखाते हमारे जो रेंको होती है वहाँ पर आने के बाद वो उस खूबसूरत से सनसेट को देखने लगती है। और अगले सीन में दिखाते हमारे जो रेंको होती है वो चिल्लाते हुए कहती है मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। और उसके साथ वो उस जगह बैठ जाती है और वो कुछ सोचने लगती है और कहती है सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और तभी वो कहती है तो चलो आज का काम यहीं पर ही ख़त्म होता है। और इसके साथ ही आज का मेरा सनकर आंडोंग लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 7 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।